गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारा चैनल टेबल विथ हमजू पे। तो आज हम लोग जाएंगे पीलिंग लोकल साइट सीन के लिए। और अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मेरा होटल से जो दिख रहा है आपका पीछे का व्यू, कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है यहाँ पर। और यहाँ का मतलब व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। ये राइट साइड पे ये जो पहाड़ है, ये इसका पीछे नमची है जो रात को साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि लाइट जल रहा था। और इस तरफ जो रा बांग्ला का जो आपका बुद्ध टेंपल है बहुत बड़ा सा, वो उस पहाड़ का पीछे था, वो भी रात को साफ दिखाई दे रहा था। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे लोकल साइट सीन के लिए, हमारा गाड़ी भी रेडी है और चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मामन रेडी हो गई है निकलने के लिए। उन लोगों का ही टाइम लगता है, हम लोग तो 5 मिनट नहीं, में नहीं नहीं आप कितने बजे उठे? हम 6 बजे उठे, फिर भी हम लोग 5 मिनट में काम निपटा देते हैं। और ये लोग 1 घंटे भी नहीं। और बच्चे का बोतल धोना है, बच्चे का पानी, खाना पकाना है, सब कुछ करना है, बॉडी चेंज करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो रेडी होना है। ठीक है, तो अभी हम लोग निकल जाते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी लोकल साइट सीन के लिए पीलिंग पे। रास्ता बहुत ही छोटा है, दो गाड़ी मतलब क्रॉस होना मुश्किल हो रहा है। वो दिखा रहे हैं इतना छोटा रास्ता है, देखिए ये सिंगल रोड है, एक गाड़ी जाने के लिए, दो गाड़ी एक साथ पास होना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ से देखिए बहुत खूबसूरत व्यू है नीचे में, हम लोग अभी ऊपर ही जा रहे हैं। और हम लोगों को जिन्होंने कल पीलिंग ड्रॉप किया था वही हम लोगों को आज लोकल साइट सीन करा रहे हैं, वो कल बैक नहीं हुए हैं गंगटोक। तो हम लोगों बात करके बोले साइट सीन करा देंगे। वो बहुत खाई है, हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं। ठंड यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है, गंगटोक कतरा भी नहीं है। और गंगटोक में ठंड होने का थोड़ा वही था रीजन कि बारिश हो रहा था, इसलिए ठंड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर उतना ठंड नहीं है। तो अभी हम लोग आ गए बाट पार्क पे, अंदर जाके देखते हैं क्या है। In a wonderland without angels, that is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah, and I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet. यहाँ पर बाट थे लेकिन अभी नहीं है, अभी एक भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बंद पड़ा है ये तो हमें भी पता नहीं। यहाँ से यहाँ पे नेट से कवर किया गया है, मतलब अंदर में बाट को रखने के लिए पूरा नेट लगा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर जाना है तो 1 घंटा जैसा अंदर पैदल जाना पड़ेगा। इतना दूर जाने से हम बाकी साइट सीन कर नहीं पाएंगे, जो पुराना राजा का महल था वो देखने के लिए। तो मैं इतना दूर नहीं जा रहा हूँ, बाकी का जो मेन पॉइंट है वो मिस हो जाएगा हम लोगों का, तो मैं रिटर्न हो रहा हूँ अभी। एक्चुअली जो बाट पार्क हम लोग गए थे वो अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है, इसीलिए कोई बाट दिखाई नहीं दिया है। अभी हमें वो ड्राइवर भाई ने बोला है कि ओपनिंग के लिए थोड़ा देरी है, तो देखते हैं यार अगर अगली बार आते हैं और ओपन हो जाता है तो आपको भी दिखाते हैं। तो हम लोग अभी आए पेमा यमेंची मॉनेस्ट्री पे, चांचेन पेमा यमेंची
पेमाई एमएसटी मॉल। नाम बोलने में भी हमको दिक्कत आ रहा है, तो यहाँ का टिकट हम लोगों को पड़ा है 160 सात मेंबर का। जाने का टाइम में तो जाने का टाइम में ये 40 रिचार्ज करेंगे हम लोगों को। तो क्या मोनेस्ट्री है इसका नाम और एक बार बोलिए तो। पेमाई एनची मोनेस्ट्री। शांचेन बोलना नहीं पड़ेगा, वो वहाँ का नाम है ना। तो हम लोग आ गए अभी वो मोनेस्ट्री में, बहुत टफ है वो नाम, हमको बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। आ गए अभी हम लोग मोनेस्ट्री पे। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है नीचे का, कंचनजंगा वगैरह देखता था यहाँ से सब। अभी कंचनजंगा नहीं दिखेगा, वो देखे तो सब फॉग ही फॉग लग गया, फॉग आ गया तो कंचनजंगा नहीं दिखाई देगा यहाँ से। बादल आ गया, पहाड़ पे पूरा बादल छाया हुआ है। हाँ तो अभी हम लोग आए हैं ये मोनेस्ट्री पे। यहाँ पर ज़्यादातर बंगाल के आदमी आते हैं, मतलब हमारा बंगाली लोग है। हम लोग तो आसाम से है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ से कंचनजंगा दिखाई देता है लेकिन अभी बादल छाया हुआ है तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे से आए हम लोग इस रोड से, और यहाँ पर उतना क्राउड नहीं है गैंगटॉक की तरह, टूरिस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है, आप लोग बैठ सकते हैं। कहाँ कंचनजंगा यहाँ से दिखाई देता है ना, लेकिन वो पूरा देखो अभी ढक गया। हाँ अभी वो बादल आ गया पूरा ना, बादल से ढक गया। तो हमारे एक भाई बोल रहे कि कंचनजंगा बादल से पूरा वो ढक चुका है, अभी दिखाई नहीं देगा। सुबह आने से आपको एकदम क्लियर था ना, बिल्कुल एकदम क्लियर था सुबह आने से। अभी देखो बादल ढक गया। And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Hey, cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up this empty sheets. Cause I'm आखिर में पहुंच ही गया हूँ जो मुझे देखना था हिलिंग पे, जो एशिया का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल हैंगिंग ब्रिज है। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एशिया का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल हैंगिंग ब्रिज है। जिस ब्रिज से हम लोग अभी जाएंगे, ये एक हैंगिंग ब्रिज है।
और ये एशिया का सेकंड हाईएस्ट है, आप देख सकते हो फ्रिज। तो यहाँ पर टिकट भी बोल रहे हैं, टिकट मतलब किस एंट्री या जाने के लिए ना जी सर, वो टिकट कैसा है यहाँ एंट्री का? ये टीम वाइज 40 रुपीस, टीम वाइज 40 रुपीस, टीम वाइज 40 रुपीस। जी जी। तो 40 रुपीस देने से हम यहाँ से गाड़ी लेके जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, गाड़ी लेके पैदल भी जा सकते हैं। तो आप, भी जा सकते आपको 40 रुपीस पे करना है ना जी सर। तो मुझे यहाँ पर 40 रुपीस पे करना पड़ेगा पूरा टीम के लिए। तो चेंज नहीं है सर? चेंज नहीं है, भैया के पास चेंज भी नहीं है? यस सर, यस सर। तो 60 है ना? हाँ 60 है सर, 60। तो दे दीजिए ना, मेरा पास तो 100 है। तो टिकट देंगे आप कुछ? टिकट नहीं दिया मैंने आपको? नहीं दिया आपने? अच्छा अच्छा, सॉरी। तो वो मुझे अभी टिकट दे रहे हैं, 40 रुपीस का टिकट है ये। तो ये ब्रिज बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरा दिन का आखिरी पॉइंट है क्योंकि अभी शाम हो गया है, हम लोग और मतलब आज और कोई नहीं जा सकेंगे। तो आज दिन का ये ख़त्म करेंगे और कल फिर निकलेंगे, कल निकल के बाकी साइट सीन कर लेंगे आज, क्योंकि हम लोगों ने टाइम रास्ते पे ही बहुत ऐसे ही गवा दिया खाने पीने में। तो ये ब्रिज जैसे झूल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये ब्रिज का ऊपर से नज़ारा जो है, चारों तरफ पहाड़ी है और नीचे एक छोटा सा, छोटा क्या, ये पहाड़ी रिवर ही है, नदी है। तो आप देख सकते हो कैसा ये हैंगिंग है, इसको कैसे हैंगिंग करके रखा गया है केबल के थ्रू। मुझे तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग भी देखिए। यह तो आप लोगों को कैमरा से इतना साफ दिखाई नहीं देगा, फिर भी जितना दिख रहा है अच्छा ही लगेगा। और यहाँ पर आने से आपको पता चलेगा ये कैसा है, मतलब पूरा पता चल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्रिज पे, और ये मुझे पीलिंग पे मतलब यही देखने का बहुत मन था, तो मैं आ गया पीलिंग पे। अभी हम लोग गाड़ी लेके ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, तो मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ बैठने के लिए। हम लोग पहले पैदल ही ये सिंगसर ब्रिज जो है पैदल ही एक बार चलते हैं, बाद में गाड़ी लेके जाएंगे, पहले एक बार पैदल जाके देख लेते हैं कैसा है। तो ये हो गया हम लोगों का एशिया का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल हैंगिंग ब्रिज। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। तो ये हमजू भी आ रहा है पीछे पीछे, हमजू का साथ हमजू का मम्मी और फूफी भी आ रही है और आफिन भी आ गई। कैसा लग रहा है हैंगिंग ब्रिज? हाँ मजा लग रहा है सबको, मजा आ रहा है और थोड़ा डर लग रहा है, हिलता है यहाँ बीच में, ज़्यादा हिल रहा है ना बीच में आने के बाद में, बहुत हवा है यहाँ पर, वह तो इतना हवा नहीं दिखाई दिया लेकिन यहाँ पर बहुत हवा लग रहा है। हाँ बहुत हाई थी, ये 100 मीटर ऊपर है ना, 100 मीटर ऊपर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बहुत हवा है, मतलब पूरा जैसे आपका क्या बोलूँ पूरा हिल रहा है ये ब्रिज बीच में आते ही, जैसे भूकंप आ गया दिखाई दे रहा है। एक नहीं ना, बहुत सारा वाटरफॉल दिख रहा है, मतलब ये आपको कैमरा में कुछ दिखाई भी नहीं देगा, इतना खूबसूरत है। हाँ कैमरा में उतना मतलब आपको नहीं कर रहा है कैमरा। हाँ इतना खूबसूरत है ये, सिर्फ आंखों से ही पता चलेगा ना। हाँ कैमरा जस्टिफाई नहीं करता है, ये सिर्फ आंखों से ही पता चलेगा ये कितना खूबसूरत है, कैमरा से तो वो पता नहीं चलेगा। हम लोगों को तो ये बहुत मतलब क्या बोलो बहुत ही अच्छा लगा, एक दुकान भी है जहाँ बहुत सामान मिल जाएगा। हाँ यहाँ पर भी वैसा मैगी मोमो ये सब मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी है जिसका उस पर सब कुछ मिल जाएगा आपको।
बैठ के खाने उने का। तो पूरा बादल आ गया है, शायद बारिश हो सकता है। तो आज का दिन हम लोगों का ये भी ख़त्म हो जाएगा, हम लोग रूम पे चले जाएंगे। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।